पुलिस ने फिरौती के लिए अपहृत युवक को 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद करते हुए 5 बदमाश को मौके से गिरफ्तार किया है। सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नोमानी ने बताया कि मानपुर थाना क्षेत्र के सरबहदी गांव निवासी मिथिलेश यादव ने 11 जून को बिहार थाना में अपने पुत्र विक्की कुमार के अपहरण होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि 10 जून की शाम को उनका पुत्र घर से खंदक पर कपड़ा लेने के लिए निकला था। कुछ देर बाद उनके मोबाइल पर किसी ने फोन कर 2 लाख रुपए के लिए पुत्र के अपहरण की बात बताई। पैसे नहीं देने पर और पुलिस को खबर करने पर बेटे की हत्या कर देने की बात कही, जिसके बाद 11 जून को मामला दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक नालंदा अशोक मिश्रा ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसके बाद तकनीकी अनुसंधान के आधार पर संभावित स्थानों पर छापेमारी प्रारंभ की गई। 24 घंटे के अंदर ही वादी के पुत्र को 11 जून के संध्या में अलौदिया गांव के नदी के पास से सकुशल बरामद कर लिया गया। इस बारे में अपहरणकर्ता ने बताया कि वह आईपीएल में सट्टेबाजी लगाने का काम करता था, जिसमें करीब 50,000 रुपए हार चुका था। रुपए की भरपाई के लिए को लेकर युवक के अपहरण की साजिश रची थी। इस मामले में पुलिस ने मौके पर से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में पहला मानपुर थाना क्षेत्र के नगवा गांव निवासी जगदीश यादव का 19 वर्षीय पुत्र बलम कुमार, दूसरा नौबतपुर गांव निवासी कपिल प्रसाद का 19 वर्षीय पुत्र प्रवीण कुमार उर्फ छोटू, तीसरा बिहार थाना क्षेत्र के खंदकपर निवासी शंकर प्रसाद का 19 वर्षीय पुत्र प्रेम कुमार एवं चौथा नबी नगर गांव निवासी अर्जुन प्रसाद का 18 वर्षीय पुत्र अनंत कुमार शामिल है। प्राथमिकी में बताया गया कि उनके पुत्र को उठाकर अपहर्ताओं के द्वारा 2 लाख रुपए फिरौती की मांग की जा रही थी और धमकी दी जा रही थी कि नहीं दोगे तो उसकी हत्या कर देंगे। पुलिस की तत्पर कार्रवाई से उनको सकुशल बरामद किया गया। सर, सट्टा खेलने के बाद सामने आए सर, कारण जैसा ये लोग बता रहे हैं कि कुछ पैसे इन लोगों से अपहरण और फिरौती के माध्यम से वसूलना था, उसके लिए इन लोगों ने अपहरण किया था। अभी गहराई से अन्य बिंदुओं पर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। IPL मैच खेलने के सट्टे में बता रहे सर, वो बातें भी आई हैं कि ये लोग उसमें भी पैसे लगाए थे, जो पैसा इन लोगों का खत्म हो गया था उसके लिए पैसे की भरपाई के लिए इन्होंने अपहरण किया, वैसी बातें आई हैं, उस पर हम लोगों ने अनुसंधान। कितना टोटल गिरफ्तारी हुई सर इसमें? कुल 5 गिरफ्तारी हुई, जिसमें 4 बालिग हैं और 1 नाबालिग है। ठीक है।